हे गाइस, इट्स मी सचिन एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैं गांव में हूँ, मतलब अभी अपने थर्ड डे है मेरा। और मैं आज बहुत जल्दी सो के उठ गया हूँ। और क्या बताऊँ, मतलब ठंड ने यहाँ पर मतलब कच्चे पहाड़ रखे हैं सबके, टोटली देखा जाए, क्योंकि यहाँ का जो मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और ओस पड़ रही है, दबा के हवा चल रही है, तो बहुत अल्टीमेट है यार, मज़ा आ रहा है, पर दूसरी तरफ ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अभी जो मौसम हो रहा है एक्चुअल में कैसा हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते होगे, पूरा ओसी ओसे चारों तरफ। तो भाई देखो, अगर नहीं पहना इस टाइम कुछ आपने सही से, तो फिर आप ख़त्म हो सकते हो। तो इसीलिए मैंने जैकेट वैकेट पहन रखी है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने जैकेट दोबारा से पहन ली, बट क्या नाम है, ये जैकेट देखो बहुत अच्छी है, विंड चिटर है, इसमें ठंड नहीं लगती, तो इसलिए ही मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ठंड से बचना है। तो अभी क्या है कि हमारी गाड़ी आ चुकी है और मैं जा रहा हूँ लखनऊ। सीन ये है, तो अभी लखनऊ जाएंगे और वहाँ घूमेंगे, खाएंगे, पियेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार मेरे हाथ है ना कपना बंद नहीं हो रहे हैं, मतलब इतनी ठंड हो रही है। आप सोच रहे हो कि मैं जानबूझ के ला रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कि रोड गीली हो रही है धीरे धीरे। और इधर वो चाय की स्टॉल थी और वो सामने लिखा हुआ है, सामने नवीन उपमंडी स्थल गोसाईगंज। तो गाइस, अभी हम घर से 36 या 40 किलोमीटर होके आए थे कि मतलब यहाँ पर एक मार्केट है गोसाईगंज, वहाँ पर हम रुके और चाय पी रहे, जैसा कि आपने अभी देखा फुटेज। बट भाई यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है यहाँ पर हल्की हल्की, और बाहर खड़ा नहीं हो जा रहा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कि कार के अंदर बैठूँगा। पहुँचेंगे लखनऊ, फिर देखते हैं अभी। गाइस, जो हम सोच रहे थे जब हम गोसाईगंज में रुके थे और चाय पी रहे थे कि यार कहीं बारिश ना हो और बूंदाबांदी हो रही थी, और जो डर था वही हुआ एक्चुअली। भी बहुत तगड़ी मतलब बारिश होती हो रही थी रास्ते में। और अभी 200 किलोमीटर में से हमने 120 किलोमीटर कवर किया है, 80 किलोमीटर अभी ठहर है। तो हम ये तीसरी बार हमने हॉल्ट लिया है और रुके हैं कुछ खाने वाने के लिए। तो अभी क्या लिया हमने कि यहाँ पर ये ब्रेड का पकौड़ा है और साथ में हरी चटनी है, तो अभी ये खाएँगे। थोड़ा सा भूख लग रहा था और नाश्ते का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं इसी टाइम से होकर उठता हूँ। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा है, इधर चटनी है, और अभी इसे हम खाएंगे। और मैं बाहर आपको दिखाता हूँ मैं किस जगह रुका हूँ। एक्चुअली फैजाबाद रोड है, वो सीधा लखनऊ से कनेक्टेड है। तो बस अभी यहाँ से खाते हैं और चलते हैं सीधा लखनऊ, मिलते हैं अपने फ्रेंड से, करते हैं अपना काम और फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो गाइस, अभी हमने ली है चाय, वो भी कुल्लड़ में। और बात की जाए ब्रेड पकौड़े की, तो अच्छा था वो, काफ़ी भूख भी लग रही थी थोड़ा सा, और फिर ऐसा हुआ कि सुबह से हमने चाय भी रखी थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, गर्म था, मज़ा आया खा के। और देसी था यार, उसमें आलू वगैरह जो दिल्ली में होता है ना, उससे अलग था थोड़ा। और अभी कुल्हड़ वाली चाय है, तो अभी कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। और डिसेंट चाय है, मैंने खैर पी अभी, ना चीनी ज़्यादा है इसमें और दूध एक नंबर है, पत्ती भी सही है, पकाई भी सही है, तो एक टेक्स्चर आता है फेस पे, मतलब मुँह में, कि मतलब ये चाय अच्छी है, पीने के बाद पता चल जाता है, नहीं तो पानी पानी सा दिखता है। तो अभी क्या खड़ा है, मैं खड़ा हूँ हाईवे पे। तो ये फैजाबाद वाला हाईवे है, सीधा लखनऊ जाता है। और बारिश आप देख ही सकते हो गए यहाँ पर चारों तरफ, और ठंडक ऐसी बढ़ गई है ना भाई, ज़बरदस्त की हालत ख़राब हो रही है। तो इससे अच्छा बस चाय पियो और गाड़ी में बैठो और निकले यहाँ से। तो फाइनली गाइस, अभी लखनऊ में एंटर हो चुका हूँ मैं, और लखनऊ के हजरतगंज पे आया हूँ मैं। और हजरतगंज के जो मेन रोड है, एक्चुअली वहाँ रुका हुआ हूँ, यहाँ पर नेशनल पीजी करके कोई कॉलेज वाला जाए शायद वहाँ पर। तो ये है वो रोड जहाँ मैं हूँ अभी, और यहाँ भी अभी तगड़ी बारिश हुई है। और मैं अभी वेट कर रहा हूँ अपनी फ्रेंड तान्या का, तो अभी वो तान्या आएगी, फिर मुझको पिक करेगी, फिर यहाँ से जाएंगे, थोड़ी देर बैठे बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे साथ में, फिर उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा। और अभी देखते हैं कि मैंने उसे फ़ोन किया तो कह रही है अभी आधे घंटे लगेंगे, मैंने पागल है क्या, मैं वेट करूँगा यहाँ पर। तो अभी वो आ रही है और देखते हैं। बेसिकली देखा जाए तो उसका वो कैमरे के सामने नहीं आती, वो भी फोटोग्राफर ही है। अभी देखते हैं उसे कैमरे के सामने लाने की कोशिश करेंगे कि आती है कि नहीं। तो चलिए, अभी 10-15 मिनट तो लगेंगे उस आने में, वेट करते हैं उसको, जब तक मौसम का मज़ा लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी बारिश हो रही है, यहाँ भी बारिश हो रही है, सेम हो गया।
तो गाइस अभी तानिया ने सीन कर दिया और खुद तो नहीं आई, बट उसने ऊबर मोटो भेज दी कह रही है कि तू इससे आजा, मैं छोड़ने चले जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी क्या है कि लखनऊ में पहुँचते ही मेरे को ऊबर मोटो का सफ़र करना पड़ेगा और पता नहीं, रुको मैं देखता हूँ भाई वो है कहाँ एक्चुअली में, मेरे को कॉल ही करनी पड़ेगी। अभी कह तो रहा था मैं कॉलेज के सामने खड़ा हुआ हूँ, बट मेरे को दिख तो नहीं रहा। चलिए देखते हैं फिर बाइक पर भी, देखते हैं क्या वीडियो बनेगी। और जैसे लाइक रोल बाग में जाता है, और ये वैसे विद्यालय का मेट्रो स्टेशन भी दिल्ली की याद दिला रहा है। तो मज़ा आ रहा है यार इस मौसम में, मतलब बाइक राइड का मतलब बहुत। मैं अपनी बाइक लेके नहीं आ पाया, बट ऐसे घूम रहा हूँ, मज़ा आएगा। अभी ताले के साथ भी देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि 2 या 3 घंटे का टाइम है मेरे पास एटलीस्ट, उसी में जो कम कर सकते हैं वो करेंगे। और जब तक आसपास के नज़ारे देखते हैं कि अभी यहाँ पर है क्या, क्योंकि मैं बहुत बार लखनऊ घूम चुका हूँ, बट यार जितनी बार भी आता हूँ ना, हर बार मेरे को नया नया बहुत अच्छा लगता है कि सर ठीक है चल रहा है जैसा चलने दो। तो चलिए पहुँचते हैं पहले ताजा के घर, अड्डी जी से मिलते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। और गाइस ये सबसे मेन दिक्कत होती है, आप किसी भी सिटी के अंदर एंटर करोगे जब खुले इलाके से, तो आपको ये नज़ारा ज़रूर देखने को मिलेगा, चारों तरफ रेड लाइट और प्लस क्या नाम है ट्रैफिक जैम। तो बस यहाँ पर लाइट ट्रैफिक है जी, और ये कोई सा चौक है मे भी, कौन सा आईपी चौराहा, ये आईपी चौराहा। लास्ट टाइम मैं यहीं पर था और यहीं से ही मेरे को तानिया ने पिक किया था, आईपी चौराहे से ही मैं भी आईपी चौराहा था। हाँ, तो अभी वो भी कह रही थी कि तेरी आने को, पर मैंने कहा नहीं यार तू आ जा और मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी वैसे ही अम्बेडकर नगर से 200 किलोमीटर से अभी होके यहाँ पर आया हूँ, और मैं गाड़ी को ले नहीं जा सकता था जो स्कॉर्पियो थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी क्योंकि किसी और का भी वेट हो रहा है, वो भी आया तो कहेगा भाई यार तू घूम रहा है यहाँ पर, काम से आया था इसलिए मैंने बुलाया। तो चलिए चलते हैं आईपी चौराहे से आगे विकास नगर। डर लगता है इस मौसम में, ये टूट जाता है। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो भैया तो एक्चुअली अभी मिल लिया मैं तानिया से, और बैठे थे हम साथ में कई घंटे, 4-5 घंटे लगभग, और आया था जब भी बारिश हो रही थी, और अभी जा रहा हूँ जब भी बारिश हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि चल ठीक है मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, जो भी है ऊबर बाइक करके जो भी है। और रही बात कैमरे के सामने आने की, तो नहीं आई, एक जगह मैंने उसे पकड़ा, हाँ मैंने कहा यही है वो, तो अच्छा लगा, आंटी जी से मिला बैठा, साथ में खाना वाना खाया हमने और चाय वाय पी, कोल्ड कॉफ़ी भी एक्चुअली मेरे लिए बनाई थी, वो पीने के बाद अभी निकल गया हूँ दोबारा से चाचा के पास जाने के लिए। और चाचा के पास जाऊँगा अभी, उनसे मिलना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अभी 4 घंटे मेरे को यहाँ से लगने हैं अम्बेडकर नगर जाने में, तो रात के 10 बज बज जाएंगे आज पहुँचते पहुँचते। और फ़ोन भी उन्हीं का ही आ रहा है, देखिए तो फ़ोन आ रहा है। चलिए ठीक है जल्दी पहुँचते हैं और फिर बताता हूँ, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, मैं भी गीला हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ मुझे अपना दूसरा घर जैसा लगता है, मैं कितनी बार भी यहाँ आ जाऊँ, मैंने पहले भी बताया बोरियत नहीं होती, और बस आ जाओ तो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता 4-5 दिन तक, और उसके बाद भी नहीं करता, अगर काम ना हो तो फिर मैं समझो यहीं पर ही बस जाऊँ, दिल्ली छोड़ दूँ। तो अभी क्या है कि यहाँ से तो मैं खैर निकल गया हूँ, और बस लास्ट बार देख रहा हूँ अभी यहाँ सबकी मार्केट वगैरह, क्योंकि लास्ट बार जब मैं यहाँ आया था तो काफ़ी ज़्यादा फन किया था, एंजॉय किया था, घूमे थे फिरे थे, काफ़ी खाया पिया था हमने, इस बार वो कुछ नहीं हो पाया क्योंकि बारिश हो रही है एक्चुअली यहाँ पर, देखिए ये पानी भरा हुआ है। और आज थोड़ा बिजी शेड्यूल था तानिया का भी, इसकी वजह से हम घूम नहीं पाए, ऊपर से बारिश मेन रीज़न है, क्योंकि फिर मन नहीं करता है, ठंड भी हो रही है कि बाहर निकलो गीले हो जाओ, फिर जो भी है कार निकालने का कोई मतलब नहीं था। तो बस ये देख रहा हूँ, बस प्लान मैं बोल के आया हूँ कि मैं अप्रैल या मई में दोबारा से आऊँगा, वो भी अपने दोस्त के साथ आऊँगा। और रही बात मेरे फ्रेंड्स की,
तो मेरे कुछ ही गिनती के मतलब ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके मैं प्रॉपर टच में रहता हूँ, चाहे वो मेरे से कॉन्टेक्ट करे ना करे मैं ज़रूर करता हूँ। जिनमें से एक है तानिया है, जीत है, अपना हर्ष है, आंसू है, एक राहुल था, वो बात नहीं करता, खैर अब मैंने कोशिश करी बट नहीं गया। बाकी ये सब है तीन चार लोग जिनसे मैं अच्छे से रहता हूँ। एक नेहा है हमारी मछली तो हम सब कॉन्टेक्ट में रहते हैं, अभी प्रॉपर हम नेहा से मिल के आए थे। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो मेरे को लगता है अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लंबा हो गया ये मेरे को लग रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।